Good morning, all of you. Today we discuss about a new topic. आज हम जिस टॉपिक के रिगार्ड डिस्कस करेंगे वो है रविंद्रनाथ टैगोर के जो एजुकेशनल थॉट्स हैं, एजुकेशन फिलॉसफी है वो क्या है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बच्चे महात्मा गांधी के एजुकेशनल थॉट्स को पढ़ा था। आज हम रविंद्रनाथ टैगोर के जो एजुकेशनल थॉट्स हैं वो क्या रहे उसके रिगार्ड डिस्कस करेंगे। देखिए, डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर एक महान शिक्षाविद अपने समय के रहे हैं। उनका भी शिक्षा के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो उल्लेखनीय योगदान रहा है। वे एक ऐसे सितारे रहे हैं जो आकाश में चमकते रहे और कहीं न कहीं शिक्षा में उनके विचार, उनके जो थॉट्स हैं वो अद्वितीय हैं, उनका कोई सानी नहीं है। अगर ब्रीफ लाइफ स्केच एजुकेशन के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर का देखा जाए तो उनकी जो है जन्म 6 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था और ब्रह्म समाज के महान नेता महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर के सबसे छोटे पुत्र थे वो। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई और कहीं न कहीं कुछ समय बाद वो सेंट जेवियर, कलकत्ता के जो स्कूल सेंट जेवियर स्कूल हाई स्कूल में उन्होंने जो है अपनी एजुकेशन ली। अगर देखा जाए तो उनके पिता ने उन्हें पहले ही बेसिक नॉलेज और साथ साथ वेदों, उपनिषदों, ज्योतिष का ज्ञान उनको बचपन में ही दिया और उन्होंने भी इस कार्य को सही तरीके से लेते हुए शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्नति और ख्याति प्राप्त की वो स्मरणीय है। अगर बात करें तो कलकत्ता से इन्होंने डीलिट की उपाधि ली। 7 अगस्त 1941 को भारत के इस महान कवि, दार्शनिक और साहित्यकार का देहांत हो गया और आज भी रविंद्रनाथ ठाकुर कहीं न कहीं एक विश्व विभूति है। देखिए, अगर एजुकेशन ये यहाँ पर हमने इनका जो है जीवन परिचय पढ़ा, इसके बाद हम रविंद्रनाथ टैगोर का कुछ जो जीवन दर्शन रहा है उसके बारे में अपने विचार जो है प्रस्तुत करते हैं, क्या उनके विचार थे। देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रकृतिवादी, नेचुरलिज्म में जो है उनका विश्वास था, बिलीव रहा है और रूसो से उनकी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में तुलना की जाती है। उनका यह मानना था कि प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा के अनुसार विकास करने की क्या है स्वतंत्रता होनी बहुत जरूरी है और उन्होंने शिक्षा को प्रकृति से जोड़ने का भी कार्य किया। उन्होंने कहा है कि एक विद्यार्थी, एक व्यक्ति को स्वतंत्र तरीके से प्रकृति की गोद में जो है शिक्षा लेनी चाहिए और उन्हीं के जो है गमन पथ पर चलते हुए रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में एक अद्वितीय योगदान देने के लिए भरसक उन्होंने प्रयास भी किया और वो अगर देखा जाए तो वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति भी रहे, यानी कि वो मल्टीपल टैलेंटेड जो है पर्सन अपने जो है समय के रहे हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का अगर शिक्षा दर्शन देखा जाए तो कुछ मौलिक सिद्धांत, कुछ
जो है बेसिक्स प्रिंसिपल्स जो हैं रहे हैं इनके, वो है सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी रिलेशंस। देखिए यहाँ पर सौहार्दपूर्ण संबंधों की हम बात करेंगे तो रविंद्रनाथ टैगोर ने मानवीय संबंधों को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने का प्रयास किया, वो जो है मानवीय संबंधों के प्रबल जो है समर्थक रहे। ये उनकी शिक्षा दर्शन में भी ये चीज़ें देखी जाती हैं। वो कहते थे कि एक व्यक्ति को ज्ञान लेना ही उचित नहीं है, उस ज्ञान को व्यवहार में लेके आना वो एक बड़ी बात होती है, यानी कि ज्ञान को व्यवहार में लेके आना बहुत आवश्यक है। उसके बाद स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। रविंद्रनाथ के मतानुसार वो मानते थे कि एक व्यक्ति विद्यार्थी को जो है सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जितना हम एक व्यक्ति या विद्यार्थी को सीखने का अवसर प्रदान करेंगे, सीखने के बारे में मूलभूत सिद्धांतों के बारे में उसको बताएंगे, तो व्यक्ति या विद्यार्थी को कहीं ना कहीं बहुत अच्छा सीखने को भी मिलेगा, समझने को भी मिलेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम पर वो विशेष रूप से फोकस्ड करते थे। नेक्स्ट है रचनाशील आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएटिव एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर कहीं ना कहीं बौद्धिक रूप से तो सशक्त ही थे, वो कहीं ना कहीं बालक के अंदर रचनात्मक क्वालिटी भी लेके आना चाहते थे। वो कहते थे कि बालक को जो है क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है, रचनात्मक, वो कुछ नया करके दिखाए, वो उसके अंदर कुछ नया करने की सीखने की जो है लालसा हो, तभी एक विद्यार्थी खोजी प्रवृत्ति का होगा और वो कहीं ना कहीं अपने अंदर एक विशिष्ट ज्ञान जो है अपने अंदर ला सकता है। तो वो जो है रविंद्रनाथ टैगोर यहाँ पे रचनात्मक अभिव्यक्ति के सिद्धांत पर विशेष रूप से फोकस्ड करते थे। उसके बाद शिक्षा से संबंधित इनके कुछ और भी उद्देश्य हैं, जिसमें शारीरिक विकास की यहाँ पे बात होगी। यानी कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी एक बात कहते थे कि एक विद्यार्थी या व्यक्ति को शारीरिक रूप से जो है सशक्त होना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का क्या करता है निवास होता है, वो ऐसा मानते थे। नेक्स्ट नैतिक और आध्यात्मिक विकास, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे हम करेंगे। देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर जी ये कहते थे कि एक विद्यार्थी को, विद्यार्थी के अंदर नैतिक गुण होने बहुत ज़रूरी है, मॉरल वैल्यूज़ होना ज़रूरी है, दया, सहानुभूति, ठीक है ना, ये सब होना, ऑनेस्ट, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता, अपने वर्ग के प्रति जो है ड्यूटी, ये सभी चीज़ें जो है मॉरल वैल्यूज़ हमें जो है सिखाती हैं। और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता का भी होना एक विद्यार्थी व्यक्ति में बहुत आवश्यक, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली व्यक्ति ही अपने ऊपर आत्मनियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो ये उनके जो है शिक्षा से संबंधित कुछ उद्देश्य रहे। नेक्स्ट सौहार्दपूर्ण विकास, हार्मोनी डेवलपमेंट, जो कि हमने पीछे भी पढ़ा है कि वो ऐसा रिलेशन चाहते थे कि जो है सहयोग से जो है कार्य चलता रहे, आपस में सभी व्यक्ति विद्यार्थी मिलकर जो है वो सहयोग की भावना से ओतप्रोत हों और अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। उसके बाद नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय समझ की बात भी उन्होंने कही। देखिए इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग की बात रविंद्रनाथ ठाकुर ने हमेशा से ही कही है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी एक बात कहते थे, जब तक हमारे अंदर अंतर्राष्ट्रीय रूप से समझ नहीं आएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अंदर भाईचारे की भावना नहीं होगी, तब तक हम जो है वो कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ते चले जाएंगे। और ये एक मेन जो है मुख्य समस्या आज हम देखने को हमें मिलती भी है, क्योंकि अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से समझ नहीं है तो इससे बहुत सी चीज़ें जो है पैदा होती हैं, जैसे साम्यवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय
जो है असमझ की निशानी है, तो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ही ज़रूरी है एक विद्यार्थी के लिए। नेक्स्ट, पाठ्यक्रम के बारे में क्या विचार रहे हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पाठ्यक्रम में वो भारतीय साहित्य, इसके साथ मातृभाषा पर विशेष रूप से बल देते थे, प्रकृति विज्ञान जैसे भौतिक रसायन, वनस्पति विज्ञान की शिक्षा बालकों को देने के पक्षधर थे। नेक्स्ट, सामान्य विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान की बात वो करते थे। इसके साथ साथ कृषि और तकनीक विकास की बात जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर हमेशा से ही उन्होंने की है। इसके धर्म और दर्शन की बात, कला और संगीत साहित्य की बात जो है वो पाठ्यक्रम में विशेष रूप से करते थे। अन्य गतिविधियों और व्यवसायों में अगर देखा जाए तो एक्टिविटीज़ एंड ऑक्यूपेशंस की वो क्या चाहते थे, इसमें नृत्य, रंग, संगीत, खेल कूद, कृषि, भ्रमण जो है, प्रयोगशाला, समाज सेवा और स्वयं अनुशासन की बात जो है वो मानते थे कि एक विद्यार्थी के अंदर स्वयं अनुशासन होना भी ज़रूरी है। उसके बाद अध्यापन की विधियों में वो मानते थे कि उनका तरीका था यात्रा करते करते अध्ययन करना, मीन्स टीचिंग वाइल वॉकिंग। इसके साथ साथ वाद विवाद, विचार विमर्श, इसके साथ साथ एक्टिविटी मेथड की बात उन्होंने की। नेक्स्ट, उन्होंने अनुशासन की अवधारणा की बात भी जो है वो रविंद्रनाथ ठाकुर जी करते थे। शिक्षक के बारे में उनका विचार, शिक्षक के देखिए व्यूज़ ऑफ अबाउट टीचर के बारे में उनके क्या थॉट्स थे, वो कहते थे कि जो है एक अध्यापक के बिना शिक्षण कार्य अधूरा है, क्योंकि अध्यापक एक विद्यार्थी को सही तरीके का ज्ञान देता है, सही तरीके की जानकारी देता है, क्योंकि अध्यापक ही एक विद्यार्थी का वो पहला गुरु होता है जो उसको उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है और उसी उचित मार्ग पर चलकर वो अपने भविष्य का जो है निर्माण भी करता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि जो है वो बालकों को गुरु के महत्व के बारे में जो है सही तरीके की जानकारी और ज्ञान देने के पक्षधर थे। स्त्री अन्य जो है उनकी एजुकेशन को लेकर स्त्री शिक्षा के विशेष रूप से पक्षधर रहे हैं रविंद्रनाथ जी। वो कहते थे कि विमेन एजुकेशन का होना किसी राष्ट्र के लिए और उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला न केवल और केवल एक परिवार का बल्कि वो दो परिवारों के साथ चलती है, और उससे एक जो है महिला के पढ़े लिखे होने से, एजुकेशन लेने से कहीं ना कहीं उसके बालकों के भविष्य भी जो है सुरक्षित हैं और आने वाले राष्ट्र का निर्माण भी सही तरीके से हो पाएगा। ये कुछ जो है विचार रहे हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी के। फिर उन्होंने शांति निकेतन विश्व भारती, देखिए 1901 में बंगाल में बोलापुर नामक स्थान से कुछ दूर शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की, जो कि आज भी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण जो है केंद्र बिंदु है। आज भी वहाँ पर जो शिक्षा है वो बहुत सही तरीके से और अच्छे तरीके से जो है दी जाती है। ये जो है इसके कुछ सिद्धांत ये किस तरीके की शिक्षा के पक्षधर में थे शांति निकेतन में, हमें जो है मनुष्य के पूर्णता की शिक्षा पर बल देते थे, साथ साथ मन विचार आत्मा के शुद्धिकरण पर जो है ये बल देते थे, शारीरिक भौतिक आध्यात्मिकता की बात जो है शांति निकेतन में की जाती थी, मार्गदर्शन जो है वो प्रदान करना इसके संदर्भ में भी शिक्षा दी जाती थी। साथ साथ अगर विश्वविद्यालय के घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो क्या है, शांति निकेतन विद्यालय है, विश्वविद्यालय है, ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान है, एक अनुसंधान भवन है यानी कि स्कूल ऑफ रिसर्च, कॉलेजेस हैं, टीचर कॉलेजेस हैं, साथ साथ म्यूजिक भवन है वहाँ पे, और हिंदी भवन है, इस्लामिक शोध संस्थान जो है इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर कंक्लूजनली वे से हम ये कहें कि विश्व भारती निश्चित रूप से ही शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहा है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है।
इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर का शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व जो है योगदान। आज के लिए बच्चे इतना ही, बाकी हम कल न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।